आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी और इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये रहा सामान साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। 3 से 4 टेबलस्पून तेल लेंगे। 150 ग्राम हमने साबूदाना लिया है, इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। पानी सिर्फ उतना लेना है जिसमें ये बस ढक जाए। उसके बाद में आपको साबूदाना इस तरीके से सूखा सूखा दिखेगा और आपकी खिचड़ी भी जो है वो अच्छी बनेगी। 100 ग्राम हमने रोस्टेड पीनट्स लिए, इसको मोटा मोटा हमने पीस लिया है। 1 आलू मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। कुछ कड़ी पत्ते हैं 8 से 10। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, हरा धनिया 1 टीस्पून और 1 नींबू जो कि ऑप्शनल है। तो कढ़ाई को रखते हैं फुल हीट पर, डालते हैं इसमें तेल और तेल हमारा गर्म हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम जीरा, साथ ही में डाल देते हैं कड़ी पत्ता और कटे हुए आलू। गैस को हमने मीडियम पे कर दिया है और इसको अच्छी तरह से लगातार स्टर करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि आलू जो हैं वो पक जाएं। उसके बाद में इसमें डालेंगे मूंगफली जो हमने मोटी मोटी ग्राइंड कर ली है, और अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें मिला लेंगे साबूदाना। अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और 1/2 नींबू डालेंगे फिलहाल, ज़रूरत पड़ेगी तो आधा बाद में डालेंगे। गैस को हमने लो पे रखा है और लगातार इसको स्टर करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हीट को लो पे ही रखें और लगातार कड़छी चलाकर साबूदाना को मिक्स कर लें, इससे साबूदाना नीचे नहीं लगेगा। तो साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। हमने तकरीबन 1.5-2 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है साबूदाने को, और थोड़े से हरे धनिए के साथ में इसको गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, डिश पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीघ्र मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।